एक प्रोग्राम है कि जैसे ये यूजर इनपुट देगा अप टू एन, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे 150, और हमें 1 से लेके उस नंबर तक क्या है कि सम फाइंड करने हैं। तो एक तो ये सिंपल हम कर सकते हैं कि एक क्या हो सकता है हमारा, जैसे हमने एक वैल्यू लेके हमने असाइन कर लिया जैसे एन में, एक तो हमारा इंटीजर एन हो गया और एक हमने सम में जीरो ले लिया। बाकी अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 to n है, तो हम एक यहाँ पे लूप ले लेंगे फॉर, एक हमने आई डिक्लेयर नहीं किया, आई भी हम डिक्लेयर कर देंगे। बाकी ये सब ये मैंने क्या होगा, बस यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ लॉजिक, बाकी कैसे प्रोग्राम लिखने वो आपको ऑलरेडी पता है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे कि हमें 1 to प्रिंट करना है, 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या कर दिया, सम प्लस इक्वल टू आई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट एफ डी एंड देन सम। तो ये हमारा ये प्रोग्राम हो गया, ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि आई हमारा 1 से स्टार्ट होगा और एन सपोज कि 10 दिया। अब क्या है कि आई का वैल्यू 1 आया, सम में 0 0 प्लस 1 प्रिंट हुआ, फिर आई यहाँ पे 2 हो गया, फिर चेक किया कंडीशन यहाँ पे आया, फिर ऐड किया फाइनली, और यहाँ पे एक ही लाइन का स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, और हमने प्रिंट कर दिया सम। अब एक और कंडीशन हो सकती है कि यूज़र चाहता है कि वो 2 वैल्यू देगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, और उन 2 नंबरों के बीच का जो सम है हमें वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक जैसे हमने वैल्यू ले लिया स्कैन एफ में, एक हो गया हमारा स्टार्ट, और एक एक जो दूसरा वैल्यू हो गया वो हमारा क्या हो गया एंड, ये हमारा जो 2 वेरिएबल हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर आई इज़ इक्वल टू स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल टू एंड एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने क्या किया, सम प्लस इक्वल टू आई, यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ इसको हम नहीं भी दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट एफ, और यहाँ पे सम प्रिंट कर दिया। तो ये क्या होगा कि यूज़र जहाँ पे वैल्यू दिया होगा स्टार्टिंग और जो एंडिंग, तो उन दोनों के बीच का जो सम होगा वो ये प्रिंट कर देगा। ये डन।